हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माधिका पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बीपीएससी शिक्षक की नई भर्ती के लिए क्वालिफाई पेपर इंग्लिश और हिंदी से 30 प्रश्न देखेंगे। जो दोस्तों आप लोगों को क्वालिफाई मार्क्स 9 नंबर लाना है, तो आप लोग वीडियो के अंत तक देखेगा और बताइएगा कॉमेंट बॉक्स में कि आप लोग कितना सही कर पाते हैं। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, ए नंबर ऑफ बॉयज खाली स्थान प्लेइंग देयर। ऑप्शन में दिया गया इज आर एम नन ऑफ द एबव। अब दोस्तों, यहाँ पर जो है ए नंबर ऑफ बॉयज यानी ए नंबर ऑफ बॉयज की बात किया जा रहा है। अगर दोस्तों ए नंबर ऑफ लगा रहे तो दोस्तों आर लगेगा, ठीक है। अगर द नंबर ऑफ की बात किया जाएगा तो इज लगेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, ही टोल्ड मी दैट ही खाली स्थान होम। अब दोस्तों, ऑप्शन में दिया गया वाज गोइंग, इज गोइंग, आर गोइंग, नन ऑफ द एबव। तो दोस्तों, यहाँ पर इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, वाज गोइंग यानी ही टोल्ड मी दैट ही वाज गोइंग होम यानी उसने मुझसे कहा कि वह घर जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, द बर्ड खाली स्थान बाय राम। ऑप्शन में दिया गया है इज किल्ड, किल्ड, वाज किल्ड, नन ऑफ द एबव। तो दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा, वाज किल्ड यानी द बर्ड वाज किल्ड बाय राम। यहाँ पर बाय का प्रयोग किया जा रहा है यानी पैसिव वॉइस। तो दोस्तों वाज किल्ड होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, ही इज माय कजन ब्रदर। करेक्ट सेंटेंसेस बताना है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, ठीक है। ही इज माय कजन ब्रदर नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, डोंट मेक खाली स्थान नॉइज। ऑप्शन में दिया गया ए एंड द नन ऑफ द एबव। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, डोंट मेक ए नॉइज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन एन इलेक्ट्रिक शॉप। यानी दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन जो है इलेक्ट्रिक शॉप में नहीं पाया जाता है। तो दोस्तों, ट्यूबलाइट, ट्यूब, मोटर, ये सभी पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द एबव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, वाइफ सिस्टर इज यानी पत्नी का बहन क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, सिस्टर इन लॉ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए वेजिटेबल। यानी निम्नलिखित में से कौन जो है वेजिटेबल नहीं है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द एबव यानी दोस्तों ड्रैगन फ्रूट और स्ट्रॉबेरी, ये दोनों दोस्तों वेजिटेबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, ही इज एंग्री खाली स्थान माय बिहेवियर। ऑप्शन में दिया गया विथ एट टू नन ऑफ द एबव। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एट यानी ही इज एट माय बिहेवियर यानी वह मेरे बिहेवियर पर क्रोधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, मैथमेटिक्स खाली स्थान नॉट वेरी टफ। ऑप्शन में दिया गया इज आर वेयर नन ऑफ द एबव। तो दोस्तों, यहाँ पर मैथमेटिक्स की बात किया जा रहा है तो इज होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। तो बताना दोस्तों कि कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, भागीरथी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, कलम के समान नयन में समास है। तो दोस्तों, बताना कि कलम के समान नयन जो है इसमें कौन सा समास है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कर्मधारय समास है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है। तो दोस्तों, पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद बताना है कौन सा है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, परिजोड़ आवरण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, वह शब्दांश जो शब्द के पहले जुड़कर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो दोस्तों, शब्द से पहले जुड़कर अर्थ में परिवर्तन कर देता है उसे उपसर्ग कहते हैं। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रत्यय किसको कहते हैं। तो वह शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन ला देता है उसे प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, गागर में सागर मुहावरे का अर्थ है। तो दोस्तों, बताइए कि गागर में सागर मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, संक्षेप में गहरी बात कहना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, आज धन खाली स्थान कोई नहीं पूछता। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या भरा जाएगा। तो दोस्तों, आज धन के बिना कोई नहीं पूछता। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है। तो कौन सा शब्द जो है तुर्की भाषा का है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, कैची, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्यूचन है मुझसे हंसा नहीं जाता, में वाच है। तो मुझसे हंसा नहीं जाता इनमें जो है कौन सा वाच है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भाव वाच है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है सुमित सो रहा है, वाक में क्रिया का भेद है। तो सुमित सो रहा है वाक में कौन सी क्रिया का भेद है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, अकर्म क्रिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है गरीबों को वस्त्र दो, वाक में कारक है। तो दोस्तों बताना कि गरीबों को वस्त्र दो वाक में जो है कौन सा कारक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, संप्रदान कारक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्न में से एक तत्सम शब्द छांटकर बताइए, तो इनमें से कौन सा जो है तत्सम शब्द है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, घोटक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्न में से स्त्री लिंग शब्द कौन सा है, तो स्त्री लिंग शब्द इनमें से कौन सा है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठंडाई जो है स्त्री लिंग शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है चमू का समानार्थी शब्द है, तो दोस्तों चमू का समानार्थी शब्द बताना है इनमें से कौन है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है मोक्ष की इच्छा करने वाला कहलाता है, तो दोस्तों मोक्ष की इच्छा करने वाला क्या कहलाता है, इसका राइट आंसर सी होगा, मुमुक्षु कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है थाली का बैगन से क्या अभिप्राय है, तो दोस्तों थाली का बैगन से क्या अभिप्राय है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सिद्धांतहीन व्यक्ति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है भाषा की अभिव्यक्ति के कौन कौन से रूप है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अरे दोस्तों भाषा की अभिव्यक्ति का रूप जो है मौखिक और लिखित दोनों है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कमल किस प्रकार का शब्द है, तो दोस्तों बताइए कि कमल जो है किस प्रकार का शब्द है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, रूढ़ शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, मूर्धनी स जो है संयुक्त व्यंजन नहीं है, मूर्धनी स दोस्तों उष्म व्यंजन है। ठीक है, उष्म व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है पवन का संधि विच्छेद क्या है, तो दोस्तों पवन का संधि विच्छेद बताना है इनमें से क्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पो जोड़ यान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों शिव का विशेषण क्या है, तो शिव का विशेषण क्या है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, शैव है। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद।